बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची के इलाके नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हूं। तकरीबन 60 से 70 साल पुरानी बताया जा रहा है कि ये आबादी है। जिस तरीके से गुज़िश्ता 3 हफ्तों से इस पूरी आबादी को, इस पूरी बस्ती, इस पूरी कॉलोनी को मसमार करने का सिलसिला जारी है, आज सुबह पुलिस की जानिब से जिस तरीके से यहाँ इलाका मकीनों के ऊपर पथराव किया गया, यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है, इलाका मकीनों में इस वक्त शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। यहाँ पर बात करते हैं लोगों से, इलाका मकीनों से, कि वो इस तमाम तर वाक़े के हवाले से, ये जो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से यहाँ पर इस पूरी आबादी को मसमार करने का सिलसिला जो जारी है, लोगों से बात करते हैं, इलाका मकीनों के पास चलते हैं कि वो इस तमाम तर वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ आइएगा। नाज़रीन, कराची के इलाके नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से ये इस बस्ती को जिस तरीके से मसमार करने का सिलसिला जारी है, इस हवाले से देखते हैं इलाका मकीन क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहना ये चाह रहे हैं बेटा, ना तो 70 साल गिना रहे हैं, ना 80 साल। इंडिया से इस पाकिस्तान का झंडा उठाया था, अपनी जानों की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, यहाँ कर बैठ गए। भुट्टो साहब ने रोटी, कपड़ा और मकान का वादा किया, आज तो रोटी भी कर हमारे घर छीने जा रहा है। लिहाजा कहने की बात यह है कि कल सैलाब आ गया सिंध के अंदर, हालात उधर के ख़राब हो गए। जमात इस्लामी ने भी अपने कैंप लगा दिए, MKM ने भी कैंप लगा दिए, पीपल्स पार्टी ने भी कैंप लगा दिए। हम उन लोगों के लिए टूट टूट कर पड़े मदद के लिए, ट्रकों के ट्रक भरकर भेजे सिंध के लिए। वो हमारे भाई थे, मुसलमान थे, लेकिन आज उनको तो सुपर हाई रोड के ऊपर जगह दे के बिठा दिया, और हमारे बने बनाए RCC के घर, बड़ी मुश्किलों और मेहनत से बनाए हुए घर, वो तोड़ने के ऊपर लगे। हम क्या कह सकते हैं, रहमत सिली मांग सकते हैं गवर्नमेंट से, उनसे दरख्वास्त है इसका नेमल बदल कर कर हम इन बच्चे जवान जवान बेटियां कहाँ जाएंगे, हम क्या पाकिस्तानी नहीं है। हत्या के उस दौर के अंदर ना तो कोई केडिया थी, ना कोई KMC थी। अगर वो हमें 20 साल पहले कह देते तो शायद हम इसके ऊपर पैसा ना लगाते और कहीं चले जाते। कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं बेटा, अल्लाह जानता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुभान ताला हमारी मदद करने वाले हैं, उन बड़े लोग बैठे हैं, उनसे रहमत सीली की दरख्वास्त करते हैं। बड़े तो साहब, ये बताइएगा, कोई जो है ये समांतर कार्रवाई जिस तरीके से 3 हफ्ते से जारी है, कोई आप लोगों को नोटिस जारी किया गया था या नहीं? और इसके अलावा ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह ये कहा जा रहा था कि जितने भी लीगल मकानात हैं उनके लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, तो उस हवाले से क्या हुआ? बेटा बिल्कुल देखें, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले मेरा जुमला सुन लीजिएगा, अगर मेरी औलाद है उसका बाप मैं हूँ, और मुल्क का जो सरबरा होता है वो आवाम का माई बाप होता है, उसका काम रियाया पे हाथ रखना। लिहाजा उन्होंने हमें नोटिस दिए हैं, ये नहीं है नहीं है। वो पूछे हैं लीगल बैठे हैं या रीगल बैठे हैं, वो तो मैंने कह दिया ना कि भुट्टो साहब ने कह दिया जो जहाँ बैठा हुआ बैठा रहे। तो ना तो कोई ये KMC थी, ना कोई KDA था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बैठ गए, नोटिस दिए, लेकिन वो नोटिस कबूल। लेकिन हमें तो मुकाम बनाया कि आप रहने वाले को ये कह दें कि आपके लिए जगह है, पहले वहाँ चले जाइए, उसके बाद हम तोड़ फोड़ करते हैं। वो कोई कारोबार का इलाका थोड़ा, पूरी फैमिलियाँ रहती हैं, बच्चे रहते हैं। बहरहाल दरख्वास्त उन लोगों से, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर इस कराची शहर में रहते हैं, अगर भुट्टो साहब ने हमें ये शिनाख्ती कार्ड ये वगैरह दिए हुए हैं, ये 82 साल पुराना शिनाख्ती कार्ड हमें, इतने कदीमी रहने वाले भुट्टो साहब के दौर के अंदर के ज़मीन और मकान और रोटी और कपड़ा और मकान, अगर मैं सिंधी में कह दूँ, जिको मानू सिंध में बिठो आए, सिंधी आए, शनाख्ती कार्ड आए, ये शनाख्त आए, मुराद अली शाह के साथ पंजी फरियाद आए, वो हाने नडरी बाल तुम्हें तो सुणी जो ख्याल कंदो आए ना, इन पास सुणी बिठो आए, तुम्हें ख्याल कंदो को ना कंदो। कहने का मकसद है कि कराची में सबसे पहली आबादी है मुजाहिद कॉलोनी है, कराची के अंदर सबसे पुरानी मुजाहिद कॉलोनी है। शरीफ लोग, गरीब मजदूरी करने वाले, कोई सब्जी की रेड़ी लगाता है, कोई क्या बेचता है, कोई क्या बेचता है, मजदूर लोग हैं, कोई ऐसे नहीं है। लेकिन बस ये रहमत सिली है, अब उनके दिल के अंदर रहम आ जाए तो इनके ऊपर भी रहम कर ले, अल्लाह उन पर रहम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 50 साल मेरी उम्र है, हम इससे भी पहले की आबादी है। बिजली के गैस हम भर रहे हैं, बिजली के बिल भर रहे हैं, गैस के बिल भर रहे हैं, और तकरीबन जितने भी बिल हैं वो हम भर रहे हैं। इससे पहले हुकूमत को याद नहीं आया कि यहाँ पे ये अनलीगल लोग हैं, हैं? इसके अलावा जो अजियत हमें दे रहे हैं, ये बिजली बंद कर देते हैं, गैस बंद कर देते हैं, पूरा 1 माह हो गया है। सुबह 8 बजे लाइट जाती है, रात को 8 बजे आती है, 9 बजे आती है, गैस चले जाता है, बच्चे देखें रोडों पर पड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे सियासतदान कहाँ हैं? हमारे, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वही हमारी मदद करें।
बाकी तो हम मायूस हैं। देखिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, आपके सामने हमारी सारी आबादी 1955 की आबादी है ये, समझे। और उसके बाद के अंदर बना रहे थे तो उन्होंने क्यों नहीं रोका हमको, हम बना रहे थे तो हमारे से आगे खर्चा ले जाते थे और हमको बनाने की इजाजत दे देते। आज 5-5 मंजिल 4-4 मंजिल हमारी पूरी जिंदगी का शोर आई है, पूरी जिंदगी की कमाई है, आज हमें लावारिस लाचार कर दिया। हम इस पाकिस्तान के शहरी नहीं है। एसपी साहब से अर्ज की तो एसपी साहब ने बोला तुम्हें प्लाट मिल जाएंगे, और प्लाट भी नहीं दिए गए। अभी इसको मेसमार किया जा रहा, बताइए क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको कहें। ये मुल्क हमारा खुद का है, पाकिस्तान हमारे खून से बना, आज इस पाकिस्तान की हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आज हम बिल्कुल लावारिस बेचार, लावारिस लाचार हो गए, समझे। हमारी छोटी छोटी बेटियां, हमारी बहन है बैठी हैं रोड के ऊपर बैठी हैं। आज हमारे को धन्ना दिए हुए इतने दिन हो गए थे, और सुबह पहले ही आके बिस्मिल्लाह इन्होंने शुरू कर दी, 5:05 पे लाइट चली गई, उसके बाद बंदे भी उठा के ले। कुछ हमारा ख्याल करो, या आप जो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं ये हमारे आगे तक पहुंचा है, टीवी पे चलाओ इसको, टीवी पे एक खबर भी हमारी नहीं लगी आज तक, ना जियो वाला आ रहा है, ना डेली न्यूज वाला आ रहा है, ना अब एक्सप्रेस वाला आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहे, सब पे पाबंदी लगा दी। वज़ीरे आला से हाथ जोड़ के अपील है कि हमें प्लाट दो इसके जगह, और हमारा खर्चा दो, हम गरीब आदमी, हमारी पूरी जिंदगी की कमाई हमारी ये थी, पूरी हमने हमारी जिंदगी गला दी। हमें बताया भी नहीं कि सामान निकाल लो अपना, बस बहुत ही यानी कि जुल्म किया है। जैसे कि कश्मीर में हम आए हुए हैं भाई, हम पाकिस्तान में नहीं है, हम इंडिया में है, यानी कि पाकिस्तानी हम पे हमला कर रहे हैं। नोटिस वगैरह कोई जारी नहीं किया भाई, बस हमारे हुकुमरान से ये अपील है हमारी, हम गरीब लोग हैं, अल्लाह के लिए हमारा कोई रद्दो बदल कीजिएगा, कोई हमारे साथ अच्छा मामला करें। ये अनलीगली मकान थे, हम 70-75 साल से यानी कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें गैस दिए है, पानी दिए है, बिजली दी है, हमें NIC दिए है, और भुट्टू साहब के दौर के भी हमारे पास NIC कार्ड है, राशन कार्ड है हमारे पास। तो हम भाई हम पाकिस्तानी है, हम भी चाहते हैं हमारे पाकिस्तान की तरक्की हो, थोड़ी थोड़ी कटिंग ले लें। करोड़ों रुपये के घर हैं, आप नज़र मारें एक दफ़ा, गरीब आदमी कहाँ जाए भाई, जमा पूंजी की कमाई थी अल्लाह जानते। जुल्म तो अब क्या कहेंगे हम, जुल्म कह लें या इसको हमारे साथ नाइंसाफी कह लें या हमारी कम कोताही कह लें, जो कुछ भी हुआ अगर इन्होंने तोड़नी 60 साल पहले तोड़ देते। हम पहले जब तो गरीब थे, कुछ भी नहीं था, बाढ़ में गए, जब हम वापसी चले जाते, हम 60 साल हो गए हम यहाँ को आबाद हुए। हमें नोटिस उन लोगों ने दिए थे, अब इम्प्रोचमेंट तो हुई, हमारी किसी ने सुनी नहीं। इम्प्रोचमेंट का नोटिस तो आया हमारे पास, हम हाई कोर्ट गए, हम सिविल कोर्ट गए, हम सिटी कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए तैयार थे, हमने प्रेस क्लब पे धरना दिया, सब कुछ किया, पर वो पता नहीं कुछ ऐसा ही था कि सभी कह रहे थे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ना गवर्नमेंट ने सब किसी को जो ना वो नोटिस दिया कि भाई आप खाली करें, अचानक आ गए, तोड़ फोड़ शुरू कर दिए और शेलिंग शुरू कर दिए, तमाम बच्चे जो ना परेशान हो गए, हमारे इलाका सब जो ना परेशान है, भी समझ गए नहीं, और ना कोई बोलने वाला है कि भाई इनकी कोई जगह दे दे या उसकी जगह जो इनके नुकसान हुए इसका कोई ज़्यादा करे। भाई ये सरासर मुसलसल जुल्म है, अगर आप लोगों को तोड़ना था या आप लोगों को ये बस्ती हटानी थी तो आप लोगों का काम था कि पहले आप उस बस्ती को बनने नहीं देते, क्यों आप लोगों ने बनने दिया। जब बन रही थी तभी आके इदारे वाले खुद आके यहाँ पे आना लोगों को बोलते थे बनाओ, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। आज जब उनको ज़रूरत पड़ी तो ऐसे तो हम लोगों को बिल्कुल है ना यतीम नहीं करते, या हम लोगों को बिल्कुल जो है ना ये इतना बेघर तो नहीं करते ना। नोटिस अगर आए तो हम लोगों को हैंड टू हैंड नहीं देके गए थे, हम लोगों को सिर्फ ये है कि नोटिस फेंक के चले गए, एक वर्बली इतला दे दी कि भाई ये बस्ती जाएगी। हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी बस्ती को छोड़ दो, अगर जो भी आपकी रोड की ज़रूरत है वो रोड बना लो, हम आपको काट के देते हैं। अगर आपको रोड की इतनी ज़रूरत है तो आप KCR का काम तो शुरू कर रहे हो, आप वहाँ से वो रोड बना लो, आप वहीं से आप नाला बना लो, लाजमी तो नहीं ये बस्ती हटाओ तभी आप लोगों का रोड बने, तब आपका नाला बने। हमारी ये 60-70 साल की आबादी थी, बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई प्लाट दिए, बगैर कोई खर्चा दिए, हमारे साथ ये नाजायज और जुल्म हो रहा है 60 साल से, और इस तमाम गरीब लोग आबाद थे,
डेली वेजेस डेली कमाने वाले, अब बेचारों के अब घर नहीं है, फैमिली लेके रोडों पे बैठे हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, ये सरासर नाजायज और जुल्म किया जा रहा है। कोई ऑर्डर प्रोवाइड नहीं किया गया, कोई प्लाट की पर्ची नहीं दी गई, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की गई, किसी को कोई मतलब आसरा या सहारा दलासा तक नहीं दिया गया। जबरन तोड़ पे आगे पुलिस हम पे नाव काबिज करके और घरों पे शेलिंग और पथराव और ये सिलसिला आपके सामने चल ही रहा है कई दिनों से। आज जो है मजीद इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी तक कोई सियासी रहनुमा नहीं आया यहाँ हमारे पास। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कराची के इलाके नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी के हमने आपको हालात दिखाए। यहाँ पर जिस तरीके से घरों को मसमार किया जा रहा है, आज सुबह पुलिस की जानिब से जिस तरीके से यहाँ आंसू गैस की शेलिंग की गई, पथराव किया गया, यहाँ के इलाका मकीनों की हमने आपको तमाम तर गुफ्तगु सुनाई। इस सारे वाक़े के बाद जिस तरीके से यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि बग़ैर कोई नोटिस जारी किए इन घरों को मसमार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जब हमने मुज़ाहमत की तो हमारे ऊपर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई, हम पर जो है वो पथराव किया गया, जिसके बाद इलाका मकीनों के अंदर शदीद जो है वो गम गुस्सा पाया जा रहा है। इलाका मकीनों की तमाम तर गुफ्तगु हमने आपको सुनाई। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरयार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।